Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icon. Never miss any new updates. नमस्कार, मैं हूं कुलवंत सिंह। मेरे साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं रामविलास जी। थोड़ा सा समय इनसे लिया है, अभी एक प्रोग्राम में जाना था लेकिन 5 मिनट का हमने समय ले लिया। रामविलास जी, आज पीएम साहब आ रहे हैं हरियाणा में, तो क्या चुनाव की जो है प्रक्रिया से शुरू होने जा रही है? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी आज कुरुक्षेत्र में आ रहे हैं। महाभारत की और गीता की जन्मभूमि कुरुक्षेत्र में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आज हरियाणा की जनता जनार्दन को बहुत बड़ी तोहफे देके जा रहे हैं। मैं पानीपत में हूँ। यहाँ ये पानीपत जो है ये मराठा बलिदान की धरती है और नरेंद्र भाई मोदी के सामने हमने प्रस्ताव रखा था कि ये मराठा बलिदान जो स्थल है इसका विश्व स्तर का विकास किया जाए। और आज नरेंद्र भाई मोदी कुरुक्षेत्र से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस 45 करोड़ की लागत से बनने वाला मराठा बलिदान जो स्थल है उसका आज वो उद्घाटन कर रहे हैं। और भी एम्स का झज्जर में बाड़सा गांव में वो उद्घाटन कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण सैकड़ों करोड़ रुपए की, और जो एम्स है वो तो कई हज़ार करोड़ का एक बनकर के वो तैयार हो गया है। हरियाणा की जनता जनार्दन को वो आज समर्पित करेंगे। और हम हरियाणा के लोग जो है इस काम में शुरू से, राजनीतिक लहरें हरियाणा की धरती से शुरू होती हैं और हमने 5 नगर निगम के चुनाव जीते और उसके बाद जींद में हमने श्री राहुल गांधी के लेफ्ट राइट में रहने वाले आदमी को और तीसरे नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार श्री रणदीप सुरजेवाला को जींद में हमने हरियाणा की जनता ने 36 बिरादरी ने उनको हराया है। और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम 2019 का चुनाव जीतेंगे। शर्मा जी, तभी आपने हुड्डा को ट्रोल किया था कि आपके रास्ते का काटा निकाल दिया। वो उस समय मौके अनुसार कही गई बात थी। 10 जनवरी को जब कृष्ण मिड्ढा हमारे उम्मीदवार का नामांकन पत्र भर के हम आए तब हुड्डा जी ये सब लोग मिल गए थे, मैंने उनको स्वाभाविक रूप से कह दिया था। सर, अभी हरियाणा की राजनीति में देखिए कई पार्टियां और आ गई हैं, जजपा आ गई, केजरीवाल आ गए, राजकुमार सैनी जी आ गए। किस नज़रिए से देखते हैं कि बीजेपी कैसे ग्रो कर पाएगी या बीजेपी के अलग से विजन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो इस देश की राजनीतिक गंगा है। ये सारे जो जिनके आप नाम ले रहे हैं ये सारे बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ की प्रमुख पार्टी है। अब हम ना कोई गठबंधन की ना कोई लठबंधन की जरूरत है। हम नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में अगला विधानसभा का चुनाव भी भारी बहुमत से जीतेंगे और हरियाणा में 10 लोकसभा हैं, 10 की 10 लोकसभा सीटें कमल के फूल पर हम जीत करके नरेंद्र भाई मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का हमारा संकल्प है। आप गठबंधन ना कहे जाने की बात कर रहे हैं लेकिन इनेलो सुप्रीमो का कल बयान था कि वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। देखिए, लास्ट सवाल आपसे करने जा रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं बीजेपी की चुनाव को जीतने के लिए? लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये बाकी जो ये महामिलावट गठबंधन, जब तक ये अपना उम्मीदवार तय करेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ के ऊपर बैठा हुआ मिलेगा, कमल का झंडा लेकर के मिलेगा। लिंका वार्डर से भी फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। ये थे रामविलास शर्मा जी, थोड़ा सा समय दिया था इन्होंने, खुलकर बातचीत नहीं हो सकी लेकिन इतना जरूर है कि ये भी आश्वस्त लग रहे हैं और लोकसभा और विधानसभा चुनाव, जैसे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव वो जीतेंगे, तो फिलहाल ये भी आश्वस्त है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 a.m. For further details, please contact Prayag International School. Yeah.
colors to your learning. Life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pai Sanskriti School, a better place, a better world. Pai Sanskriti School, sapno se behtar kal. Pai Sanskriti School, add colors to your learning. Pai Sanskriti School, your life will be shining.